देश किसी की बपौती नहीं है, देश संविधान से चलता है सर। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता हमारी हत्या कर देता है, मुछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे। 2% सरकारी सेक्टर है तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है। जय भीम साथियों, मैं तुषार कुमार जय भीम गुजरात से आपका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे हम भैया चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद जो नगीना लोकसभा सीट से 1,00,000 से भी ज़्यादा मत से जीते, संसद में गए, संसद में जय भीम जय संविधान करके उन्होंने जो नारा दिया, आज संसद में जो लोग बोल रहे वो जय भीम बोलने लग गए हैं। ये ताकत बहुजनों की है, बहुजनों के लीडर के तौर पे उभर के आए हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसे संसद में पहले सत्र में उन्होंने बहुत ही बड़े मुद्दे पे बात की है, इन्हें अग्निवीर पे बोले, उन्होंने संत रविदास जी का मंदिर जो दिल्ली में टूटा था उस पर भी बात किए, और साथ में उनके ऐसे वायरल वीडियो भी आए हैं जिस वीडियो में चंद्रशेखर आज़ाद काम करते दिखाई दे रहे हैं। और लोकसभा के सांसद बनते ही उन्होंने बहुत सारी जगहों पे काम करना शुरू कर दिया और जगह जगह पे जाके लोगों की बात सुन रहे हैं, इमोशनल वीडियो भी बता रहे हैं, लोग उनकी बात को बता रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे काम करो। जो उपचुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, जो उपचुनाव आ रहा है, उस उपचुनाव की तैयारी में भी वो जुड़ चुके हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद ने एक सभा में भी जो उनकी मीटिंग थी उसमें उन्होंने कहा कि 2027 में मैं सीएम बनूंगा, यानी कि हमारी सरकार बनेगी। चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा संसद में भी बहुत ही ज़बरदस्त बोल रहे हैं और हमारी आवाज़ बन रहे हैं, और उन्होंने संसद में बहुत सारे मुद्दे पे काम किया है और बोले हैं। राष्ट्रपति जी ने धर्म के बारे में बात की थी, राम मंदिर से पहले हमारे गुरुगढ़ तुगलकाबाद का फैसला आया था राष्ट्रपति जी, वो सभापति जी, अभी तक दिल्ली में स्थित सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरुघर नहीं बना। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता हमारी हत्या कर देता है, मुछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर 70 साल बाद भी? दलित पिछड़े मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है सर। मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए। और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर, और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया। जिस क्षेत्र से मैं चुन के आया हूँ नगीना से, वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया, रोजगार की सेवाएं नहीं है, नौजवान पलायन करता है। उन्होंने लोकसभा के स्पीकर के सामने अपनी बातें रखी थी, उसमें देश हित की बात थी। नगीना के क्षेत्र में जो बाढ़ के विस्तार है वहाँ पर सहाय मिले वो भी बात की। बहुत सारी बातों में चंद्रशेखर आज़ाद ने तकरीबन 7 से 8 मिनट बोले। उस 7-8 मिनट में उन्होंने बहुत सारी बात स्पीकर के सामने रखी, देश हित की बात रखी, बहुजनों की बात रखी, और काफ़ी सारी बातें रखते हुए चंद्रशेखर ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे जय भीम गुजरात के साथ जुड़े रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय।